हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि है ज्योग्राफी का 8वां पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे हम सूर्य ग्रहण से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि देखते हैं कि कौन सा फैक्ट बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण को अगर हम शॉर्ट में लिखूं पीसीएस, और चंद्र ग्रहण का बनेगा सीपीएस। अब ये पीसीएस सीपीएस क्या है ये समझना है। जब पृथ्वी, यानी कि प्री से पृथ्वी, सी से चंद्रमा, एस से सूर्य। ठीक है, और यहां भी सेम है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, अब ये समझना है कि हम पीसीएस सीपीएस मैंने क्यों लिखा। जो पीसीएस है उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, और सीपीएस है दोस्तों चंद्र ग्रहण। थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। पीसीएस का मतलब है जब पृथ्वी चंद्रमा बीच में आ जाता है। देखो, पी पृथ्वी, सी चंद्रमा, एस सन। ठीक है, पीसीएस की कंडीशन होगी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण सीपीएस। अब मैं इसकी कंडीशन बनाऊं, चंद्रमा पी से, पृथ्वी और एस से सूर्य। ठीक है, ये कंडीशन क्या बनेगी, बचपन में हमने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन क्या बनेगी चंद्र ग्रहण की, और ये क्या बनेगा आपका सीपीएस। ठीक है, लिख देता हूं मैं सी पी एस, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, और इनको बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण, उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अगर याद ना रहे कि आपसे पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, तो पीसीएस याद रखिए। चंद्र सॉरी सूर्य ग्रहण की पूछा जाए तो पीसीएस, चंद्र ग्रहण की क्या बनेगी अपनी सीपीएस। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या, आंशिक क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण एक होता है दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, आप देखते हैं आंशिक क्या है, आधा मान लेते हैं इसको, आधा पूरा होता है, पूरा नाम से ही स्पष्ट है, ज्यादा पजरोने की जरूरत नहीं है। आंशिक का मतलब होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जब आधा पार्ट दागा जाता है उसको बोलते हैं हम आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण होता है जब सूर्य पूरी तरह से क्या हो जाता है, ढक जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी कंडीशन बताई पीछे, तो उसको बोलते हैं हम पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब हमने मेन पॉइंट पे आना है कि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्या है सूर्य। ठीक है, और ये क्या हो गया, पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लग गया। अभी यहां पे कौन सी घटना घटती है दोस्तों, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखना है। अब जैसे दोस्तों ये पूरी तरह से ढक दिया गया, ठीक है, अब यहां पे क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं हम सूर्य किरीट, यानी कि जो बाहरी आवरण बच गया ना दोस्तों, तो उसको क्या नाम दिया गया है, सूर्य किरीट या कोरोना, कोरोना भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां से कौन सी किरणें निकलती हैं दोस्तों, एक्सरे, एक्सरे किरणें, जो कि किसके लिए हानिकारक होती है, आंखों के लिए, डायरेक्ट नहीं देख सकते हम सूर्य ग्रहण को। ठीक है, उसके बाद इसको एक और नाम दिया गया है दोस्तों, डायमंड रिंग, डायमंड रिंग। और अगर से एक और लिखूं, इसका बनेगा आपका सूर्य का मुकुट। अब ये कंडीशन कब होगी, और ये कंडीशन जो होगी दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अब क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझना है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों, साइड से जब प्रकाश निकलता है उसको हम बोलते हैं सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना। ठीक है, वहां से कौन सी किरणें निकलती हैं, एक्सरे किरणें निकलती हैं, और जो ये रिंग सी बनी,
साइड में जो मतलब प्रकाश निकल रहा है ना ये बाहरी आवरण से, इसको क्या बोला जाता है, ऐसे बनेगी तो इसको बोला जाता है डायमंड रिंग, ठीक है। और क्या बोला जाता है, सूर्य का मुकुट बोला जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन आपसे पूछा जाएगा कब होगी, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, आपने याद रखना है, लिख लो अगर कोई दिक्कत हो याद रखने में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य का जो व्यास है ना दोस्तों वो कितना है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर पृथ्वी से कितना बड़ा है, पृथ्वी के सॉरी व्यास का कितना बड़ा है, तो ये दोस्तों बनेगा 110 गुना, ठीक है, 110 गुना बड़ा है पृथ्वी के व्यास का। सूर्य कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, और पृथ्वी के व्यास का कितना गुना बड़ा है, सूर्य 110 गुना, ठीक है। कितना बताया दोस्तों मैंने, इसका व्यास है सूर्य का 13,92,000 किलोमीटर, और पृथ्वी के व्यास का कितना है, 110 गुना बड़ा, ठीक है। सूर्य का जो साइज है कितना, पृथ्वी कितना बड़ा है दोस्तों, 13,00,000 किलोमीटर, सॉरी 13,00,000 गुना कितना बड़ा है हमारे पृथ्वी से, सूर्य 13,00,000 गुना। अब जो दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना सभी ग्रहों को मिलता है, यानी कि पूरे सौर मंडल को क्या मिलता है, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, तो हमारी पृथ्वी को कितना भाग, यानी कितना भाग, कितना परसेंटेज भाग, या कौन से नंबर का भाग, कितना मतलब कितना मिलता है, ये हमने बताना है। तो ये कितना बनेगा, 2 अरबवां भाग है, यानी कि ऊर्जा के रूप में किससे मिलता है, सूर्य से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी को सूर्य का कितना भाग एनर्जी के रूप में मिलता है, तो वो कितना है, 2 अरबवां। कितना बड़ा है, 13,00,000 गुना बड़ा है। कितना व्यास है, 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास का कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, वो है 110 गुना, ठीक है दोस्तों। ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी प्लस सूर्य के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग पार्ट में समझाएंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।